हे, सुबह सुबह तैयार होके हम लोग जा रहे हैं। मैं, पापा और मेरे हस्बैंड जी। पापा आए हैं शिव सागर से हमारे घर भोरा गांव, और आज हम लोग हैं दोस्तों गुवाहाटी में, और हम लोग अभी जा रहे हैं अम्बुबासी मेला देखने, माँ कामाख्या के मंदिर। और आज है दोस्तों पहला दिन अम्बुबासी मेला का, और आज मैं फर्स्ट टाइम अम्बुबासी मेला देखने जा रही हूँ। इससे पहले मैं कभी भी नहीं गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग हो गए तैयार और गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी भी चल दिए है। और चलिए आज आप लोग को अम्बुबासी मेला में क्या क्या होता है हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाया है, आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पे देखिए फुटपाथ में कितने सारे लोग रह रहे हैं। यहाँ पे ये लोग सो भी रहे हैं, और यहाँ पे अपना कपड़ा वगैरह धो के सूखने के लिए डाल भी रहे हैं। मतलब दो अम्बुबासी मेला जितना दिन रहेगा उतना दिन ये लोग यहाँ पे रहेंगे। ये लोग शायद बहुत दूर दूर से आए हैं, और हम लोग को गाड़ी ने यहाँ पे उतार दिया क्योंकि आगे गाड़ी ले जाना मना है, अगर ले जाएगा तो फाइन भरना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इस ओवरब्रिज से पार होकर हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा मेन गेट के पास, और मेन गेट से बोले हस्बैंड जी 6 किलोमीटर मंदिर तक, नीलाचल पहाड़ तक हम लोग को पैदल चलना पड़ेगा। अभी तक दोस्तों हम लोग मंदिर के गेट तक नहीं पहुँचे। उससे पहले हमने देखा है कि क्या बोलते हैं इसको, सेल्फी स्टिक बेच रहे एक भैया। तो हमने सोचा कि चलो वीडियो बनाएंगे आज फिर से, और एक सेल्फी स्टिक ले लेते हैं, वैसे भी मेरे पास नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा आगे आकर देखा है भंडारा चल रहा है यहाँ पे, और हमने सोचा कि चलते हैं खा लेते हैं प्रसाद। और यहाँ पे हम लोग को दिया है दोस्तों पोहा, पोहा खा कर ही हम लोग निकल गए हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच कर देखते हैं पुलिस वो लोग जूता चप्पल अंदर ले जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक दुकान से कैरी बैग खरीद के वहाँ पे जूता भरा लिया है, और ऐसे तो हस्बैंड जी और पापा का जूता भराने से बैग भर गया, तो मेरा अपना चप्पल मैं वहीं पे खोल के चली आई हूँ। और आगे देख सकते आप लोग कामाख्या मंदिर, कामाख्या माँ का मंदिर का गेट हम लोग को मिल गया है, और गेट से मंदिर के गेट हम लोग को 6 किलोमीटर खाली पैर चल के जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ माँ कामाख्या का दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए भैया जो झरने का पानी, पहाड़ से जो पानी आ रहा है झरने का पानी, पानी का कनेक्शन रास्ते की ओर कर दिया है क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म है, पक्का पेड़ के नीचे ऐसा लग रहा है जल जा रहा है। तो पानी के वजह से लोगों को राहत मिली, और मैंने भी अपना पाँव अच्छी तरह से पानी में धो लिया है। और पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की, तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की सहत, कोई मतलब नहीं मेरी खातर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं, तेरी खातर के कर जाऊं भोले मन ने कुछ नहीं बेरा है दुनिया का मन बेरा। तेरे तैया सब न बताऊंगी, तू भोला पर्वत का मैं रानी मेला की, तेरी मेरे पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की, तू भोला पर्वत का मैं रानी।
अभी दोस्तों थोड़ा सा हम लोग रेस्ट ले रहे हैं, यहाँ पे बैठ गए हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 किलोमीटर चल दिए और 3 किलोमीटर बाकी है, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे उसके बाद फिर से चलेंगे। तेरा जो भी भा जागा मन ने मत हाथ छुड़ावे तू भोला बुरा है क्या भला तेरे रूंद की चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महे मेरी माई है क्या मांगे वो बेटा जिसने मांगा
दोस्तों हम लोग का दर्शन हो गया है और हम लोग नीचे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा दोस्तों गर्मी है, धूप है, खाली पैर, जल भी रहा है मेरा पैर। और यहाँ पे देखिए जगह जगह से ये झरने का पानी आ रहा है और ये भी हमारे माँ कामाख्या का आशीर्वाद ही है, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग खाली पैर आ रहे हैं तो हम लोग का पैर जलेगा, इसलिए माँ कामाख्या ने ये पानी हम लोग को भेज दिया है कि जगह जगह हम लोग अपना पैर भिजा के उसके बाद हम लोग जा सके। और यहाँ पे हम लोग का मेन गेट मिल गया है और हम लोग आ गए हैं। और आते ही हमें चिंता आ गई कि हमारा जो चप्पल मैंने यहाँ पे छोड़ के गया था, वैसे तो पापा और हस्बैंड जी का चप्पल साथ में गया है, लेकिन मेरा चप्पल यहाँ पर मैंने छोड़ के गया, अभी वो मिलेगा या नहीं मिलेगा हम लोग को आइडिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बाय बाय बोलते हैं आप लोगों से और यहाँ पे हम लोग चप्पल ढूंढते हैं। Thank you.